ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार 28/5/2020। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं, फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं जो बाप की आबरू इज्जत जाए। दूसरा, अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भाव। डिटेल में, इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। स्लोगन, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। ओम शांति।